रिस्पांस टीम ने देश में कोरोना के कारण फैली नकारात्मकता दूर करने के उद्देश्य से हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान माला का आयोजन किया है। 11 से 15 मई तक चलने वाली इस व्याख्यान माला में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मूर्धन्य मनीषियों एवं परोपकारी हस्तियों ने अपने उद्बोधन से देश में सकारात्मक विचारों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। व्याख्यान माला के प्रथम दिवस पर अपने व्याख्यान में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा, यह एक दूसरे पर उंगली उठाने का समय नहीं है। We need to behave responsibly. Responsibly means that we must retain our ability to respond in a sensible and intelligent manner. This is not a time to react. Your anger, your frustration, your misery, everything is because you are reacting to the situation. This is a time as a human being, you and me have to show what sort of human beings are we. What kind of generation are we? जय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा, मन को मजबूत बनाओ, घबराइए मत। बीमारी आई है, जाएगी। ये बीमारी आई है इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी आई तो मौत ही आ गई। व्याख्यान माला के दूसरे दिन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक एवं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने अपने संबोधन में कहा, जब व्यक्ति उदास है, दुखी है, दर्द से पीड़ित है, यहाँ करुणा अपने भीतर जगाएं। हम सबके भीतर करुणा है। जब सब पार्टियां हो रही है, जब सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, उस वक्त करुणा की क्या आवश्यकता है? करुणा का कब आवश्यकता है? जब व्यक्ति उदास है, दुखी है, दर्द से पीड़ित है, यहाँ करुणा अपने भीतर जगाएं। करुणा जगाने का मतलब यह है कि हम सेवा कार्य में लग जाएं। विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री अजीम हाशिम प्रेम जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक साथ रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, अगर विभाजित हो जाएंगे तो संघर्षरत रहेंगे। Second, in this situation, the country must come together as one. We must drop all our differences, understanding that this situation requires unity of action. Together we are stronger, divided we continue to struggle. व्याख्यान माला में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष व पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी ने अपने विचार रखते हुए कहा, पहले भी ऐसी विपत्तियां व संकट हम पर आए हैं और हमने उनका सामना सफलतापूर्वक किया है। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि यह जो भारत राष्ट्र है यह साधारण राष्ट्र नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है और काफी लोक संख्या के साथ रहा हुआ यह राष्ट्र है। तो निश्चित रूप से इसने अनेक संकटों का सामना किया है और उन संकटों को पार करते हुए यह राष्ट्र हमेशा उभरा ही है, उन्नत ही हुआ है। व्याख्यान माला के तीसरे दिन श्री कांची कामकोठी पीठ के 70वें आचार्य परम पावन जगतगुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी ने कहा, जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है, जो विश्वास के साथ मेहनत करेंगे उसको फल मिलेगा ही, सफल होंगे। इसी क्रम में सुप्रसिद्ध कलाविद व पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए बताया, पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, एक सकारात्मक विचारों को ले आना, अपने मन को दलो नहीं होने दूंगी, मेरा काम भी बाकी है, अपने मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा चाहे कितने बीमार हों, तो हताशा दे देना नहीं, नो 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 नो, ये मानव मनुष्य का काम नहीं है।
तो यदि मैं कर सकती हूँ, आप सब कर सकते हैं। व्याख्यान श्रृंखला के चौथे दिन की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत संत ज्ञानदेव सिंह जी के उद्बोधन से हुई। कोरोना नाम की का संक्रमण व्याप्त है, केवल भारतवर्ष में नहीं संपूर्ण विश्व में जो है ये संक्रमण काल चल रहा है, परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मनोबल गिराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वस्तु संसार में आती है वो सदा स्थिर नहीं रहती, दुख आया है वो चला जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है शुद्धि की। परम शक्ति पीठ वात्सल्य ग्राम की संस्थापक पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी के सुविचारों ने भी समाज में सकारात्मकता का वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी ने कहा, हर संकट का समाधान है, लेकिन समाधान तब होता है जब मनुष्य को अपने पर भरोसा होता है। कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने उसे टिटिहरी से कहा था कि 3 हफ्ते के लिए बंद हो जाओ, अपना चोगा एकत्रित कर लो और लॉकडाउन हो जाओ, अपनी समस्त शक्तियों को समाहित करो और भरोसा रखो। हुआ था ना समाधान, होता है ना समाधान। समाधान होता है जब मनुष्य को अपने पर भरोसा होता है, समाधान होता है जब मनुष्य अपने आराध्य और अपने इष्ट पर भरोसा करता है। इसलिए विश्वास के साथ हम इस महामारी से पार जाएंगे। व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम दिन 15 मई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के विशेष उद्बोधन के साथ इस बहुचर्चित व्याख्यान माला हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का समापन हुआ। पूजनीय सरसंचालक जी ने कहा कि हमें इन कठिन परिस्थितियों में निराशा की नहीं बल्कि इससे लड़कर जीतने का संकल्प लेने की जरूरत है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हमारा देश है। इतने साल में मिटा नहीं, इतने भयानक संकटों को झेलकर मिटा नहीं, तो होगी महामारी, विश्वव्यापी होगी, बड़ा छुपा शत्रु होगा, बड़ा रूप बदलने वाला होगा, कठिन जंग लड़नी होगी, लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी। हम जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। परिस्थिति आई है वो हमारे सद्गुणों की परख करेगी, हमारे दोषों को भी दिखा देंगी, दोषों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ा के ये परिस्थिति हमको प्रशिक्षित करेगी। ये हमारी धैर्य की परीक्षा है, ये धैर्य, ये महत्व की बात है। ये विश्वास हम सभी को बनाए रखना होगा कि शीघ्र संकट रूपी अंधेरा छटेगा, नया सूरज निकलेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।